सर इन 9 मई के किरदार अभी तक एफरे किरदार तक नहीं पहुंच सके। ये कितनी बड़ी हमारी दुनिया के सोचने की बात है। लेकिन ये हुआ इंग्लैंड में, आपने लंदन में, और ये देखा उन चंद दिनों में जो कुछ जो थे जिन्होंने इंतशार फैलाया वहाँ पे, और जिन्होंने ख़राब की लाइन और सुरक्षा, उनको पकड़ के सजाएं दे दी। हमारे यहाँ उसको 1.25 साल से लेके बैठे हैं, कोई फैसला करें ना, क्या अदलिया हमारी, या तो हमारे जज कम हैं या क्या, सिर्फ अदलिया भी मैं देखता हूँ कि आईनी बातों पे ही है, आम आदमी की तो वहाँ भी मैं नहीं देखता कि कोई बात हो रही हो, जजों को फुर्सत नहीं है, 60,000 केसेस वहाँ पड़े हुए हैं। तो क्या फिर फ्यूचर क्या देख रहे हैं आप तहरीक इंसाफ का, खासतौर पर बानी शेरान खान का? देखिए मैं उनका वेल विशर हूँ, मैं PTI का, वो एक नई पार्टी आई है और देखिए ना, हर एक का अपने पॉइंट ऑफ व्यू को देने का हक है। देखो सियासी तौर पर रहें, वो बात कोई करें कि जो लोगों के फ़ायदे की बात है, अगर वो लड़ाई झगड़े में ही रहेंगे तो मैं भी वही, मैं शैला रजा से एग्री करता हूँ कि लोग उनको छोड़ जाएंगे। लोग तो देखिए अपने वसाइल में पड़े हुए हैं, जब मैं अपने एरिया में जाता हूँ अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, तो उनके बिचलारों के बिजली के बिल हैं, उनके स्कूल की फीसें हैं, वो महंगाई में इस वक्त वाकई हकीकत है, महंगाई बहुत ज़्यादा हुई है, जो कि अब कम हुई है इस माह में 9.6 हुई है, जो एक जब हमने हुकूमत संभाली पिछले 16 महीने पहले तो उस वक्त 26-27% थी या और ज़्यादा थी, तो महंगाई कम, लेकिन उसके बावजूद इतनी महंगाई है क्योंकि डिवेल्यूएशन हुआ है बहुत ज़्यादा। तो बजाय कि हम सोचें बैठ के कि मुल्क कैसे आगे बढ़ाना है, दुनिया कैसे आगे चली गई। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।